दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलार्म पैनल से कैसे अलार्म सिस्टम से फायर अलार्म सिस्टम से कैसे इसको प्रेशराइजिंग फैन को जोड़ा जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए, जैसे मैं एमसीपी को मैं फायर दे रहा हूं, उसके बाद फायर हो गया और ये देखिए, ये यहाँ से जो प्रेशराइजिंग फैन का जो ग्रिल है, इससे एयर निकलना शुरू हो गया है। प्रेशराइजिंग फैन है, ये फैन चल रही है, अभी ऑटो मोशन में है, ये प्रेशराइजिंग फैन चल रही है। ये रिले मॉड्यूल में फायर आया हुआ है दोस्तों, यहीं से प्रेशराइजिंग फैन को सिग्नल जाता है रिले मॉड्यूल से। दोस्तों, ये रिले मॉड्यूल है, इसी रिले मॉड्यूल से प्रेशराइजिंग फैन को इंटीग्रेट किया जाता है, इसी से जोड़ा जाता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये FRM फायर रिले मॉड्यूल, यानी इसी से एक सिग्नल वायर को हम जो प्रेशराइजिंग फैन का जो स्टार्टर है वहाँ पे ले जाते हैं, और उस स्टार्टर से उसको वहाँ का रिले से कनेक्ट कर देते हैं, और पैनल को वहाँ का जो पैनल होता है उसको ऑटो मोड में डाल देते हैं, और फायर जो आता है वो अपने आप ऑटोमेटिक वो प्रेशराइजिंग फैन ऑन हो जाता है। तो आपको इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है वो दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो वायर है, ये दो दो वायर जो हमारा डिटेक्टर से पूरे राउंड मार करके पूरे सारे डिटेक्टर्स डिवाइसेस को कनेक्ट करके तब यहाँ इस रिले मॉड्यूल पे आया है, और ये यानी ये SLC का वायर आया है, SLC का यानी इन आउट दोनों आया है यहाँ पे, एक आया है एक यहाँ से निकला है फिर दूसरे डिवाइस में, तो इसको इंटीग्रेट कर करके तब दूसरे डिवाइस में किया है। तो ये देखिए SLC लिखा हुआ है, SLC यानी सिग्नल लाइन सर्किट, T1 T2 यानी दो, जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव को दोनों रेड वायर को पॉजिटिव में जोड़ दें टर्मिनल में जोड़ देना है, और दोनों ब्लैक वायर को नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देना है। SLC का हो गया ये। अब इसका जो सिग्नल वायर है ये हम लोग टर्मिनल में यानी NC NO और कॉमन, ये सब में हम जोड़ते हैं। ये कहाँ जोड़ेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा NC1 में रेड जोड़ा गया है, और कॉमन वन में ब्लैक वाला वायर है, यानी ये वाला वायर है जोड़ा गया है, और रेड वाला वायर NC1 में जोड़ा गया है। इसमें एक्चुअली दो टर्मिनल है, एक वन और एक टू, यानी हम दो फैन को एक साथ इससे हम जोड़ सकते हैं। तो ये इसका वायरिंग कनेक्शंस हो गया दोस्तों। ये प्रेशराइजेशन फैन का ये स्टार्टर है, और ये जो बटन है ये ऑटो है, ऑफ है और मैनुअल है। जिधर हम रखेंगे, जैसे इसको ऑटो में है, अभी ये वाला जो लाइन है ना ये ऑटो में है, अब इसको ये ऑफ हो गया, इसलिए मैनुअल में आ गया, तो हम इसको ऑटो में रखते हैं ताकि ये जो भी सिग्नल आए अलार्म से वो तुरंत इस पैनल पे आ जाए, और ये पैनल अपना स्टार्ट कर दे प्रेशराइजिंग फैन को। तो ये इसका यही काम होता है। अब इसके अंदर का जो वायरिंग होता है ये भी हम चेक करेंगे, यानी ये हम वायरिंग मैनुअल को दिखा देंगे, कहाँ पे अलार्म का सिग्नल आता है, अलार्म का सिग्नल का वायर का कनेक्शन कहाँ देंगे हम, तो वो देखेंगे। तो ये जो हमारा दो वायर है, ये दो वायर रेड ब्लैक, ये अलार्म से आया है, रिले मॉड्यूल से फायर का रिले मॉड्यूल से आया है, और ये कनेक्ट हुआ है इससे, और ये जा कर के इसका कनेक्शन इन गया है रिले से। ये रिले होता है, ये इस तरह से ये रिले है, ये इस रिले से अभी आपको इसको इसमें पुश करके दिखाएंगे आपको। ये इसमें ये इस तरह से ये रिले यहाँ पे पुश कर देते हैं।
और अब ऑन कर दिया करंट को। रिले, रिले का ये एक अलग से एक एमसीबी है, इसको ये ऑन हो गया इसका। अब जो ही फायर आएगा तो ये जो ये रिले है ये जो ब्लिंक कर रहा है ना रेड ब्लिंक, ये ऑफ हो जाएगा। यानी ये इसका ये मतलब है कि इसमें फायर आ गया है, इसका एक कॉन्टैक्ट है, इस तरह से ये काम इसका करना है। देखिए अभी इस पर फायर आया है, ऑटो में है, ये फायर मोड में ऑन हो गया है, ये ऑन हो गया, यानी ये फायर अलार्म का सिग्नल आ गया है इस पर। और आपको जैसे बता रहा था मैं कि ये ऑफ हो जाता है रिले मॉड्यूल, ये ऑफ हो जाता है, ये रिले है ना, रिले कॉन्टैक्ट इसका ऑफ हो गया, ये फायर सिग्नल, इसका ये मतलब है कि फायर सिग्नल इसमें आ गया है। और ये प्रेशर फैन को ऑन कर दिया है, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं।